उज्जैन का ये वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि एक युवक के साथ मारपीट की जा रही है, लेकिन यह कोई साधारण तरीके से की जाने वाली मारपीट नहीं है, बल्कि एक गरीब व्यक्ति को जंजीर से लटकाकर लाठी से निर्दयता से पीटा जा रहा है। जब हमारी टीम ने इसकी पड़ताल की तो पता चला यह वीडियो बड़नगर तहसील के ग्राम सिजावता का है। यहाँ का एक व्यक्ति अर्जुन मोगिया गांव में अपनी दहशत बनाने के लिए आए दिन लोगों से झगड़ा करता है। इसके आपराधिक रिकॉर्ड इंगोरिया थाने में दर्ज है और यहाँ जिसे बांधकर लटकाकर बेरहमी व निर्दयता से मारा जा रहा है। वह गरीब व्यक्ति ढोल बजाकर अपना गुजारा कर रहा था। इस बदमाश ने उसे लटकाकर इस कदर मारा कि वह इतनी दहशत में आ गया कि वह गांव छोड़कर ही भाग गया। इस संबंध में जब हमने इंगोरिया थाना प्रभारी से जानकारी लेना चाही तो पता चला कि उन्हें तो इस मामले की जानकारी ही नहीं है। मामला संज्ञान में लेते हुए SP सत्येंद्र कुमार शुक्ल ने थाना प्रभारी को लाइन अटैच किया। मीडिया और आपके रुकते मेरी जानकारी में सबसे आया था, जिसमें एक व्यक्ति के साथ द्वारा मारपीट की जा रही है और वो काफ़ी ज़्यादा विभत्स तरीके से उसके साथ मारपीट की गई है। और हालांकि उस संबंध में कोई रिपोर्ट पुलिस के पास नहीं आई, लेकिन ये पूरा प्रकरण जब थाना प्रभारी इंदौरिया के संज्ञान में 3 से 4 दिन पूर्व आ गया था, उनके द्वारा जिस तरह की गंभीरता और संजीदगी बरतनी चाहिए थी वो नहीं बरती गई। इस लापरवाही के चलते उनको थाना प्रभारी इंदौरिया के पद से हटाकर पुलिस लाइन संपर्क किया गया है। पूरे प्रकरण की जाँच जो कि बड़नगर कर रहे हैं और SDOP बड़नगर इस पूरी कार्रवाई को क्या था, क्या विषय था, क्यों झगड़ा हुआ था, उसकी जांच करने के पश्चात विधिक कार्रवाई करें। पिटाई के दौरान गांव के कुछ लोग पीड़ित को बचाने भी आते हैं, लेकिन आरोपी युवक सभी को भगा देता है। इसके बाद वह लगातार युवक के पैर और कमर पर डंडे मारता रहता है। उज्जैन से क्राइम भाषी के लिए अमृत बैंडवाल की रिपोर्ट। वीडियो को लाइक और शेयर करें। क्राइम भाषी से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।